हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम जी और सीता माता अपने वनवास के दौरान अयोध्या पहाड़ियों में आए और रुके थे। जब सीता माता को प्यास लगी तो राम जी ने पृथ्वी में तीर मारा और उसमें से पानी निकल पड़ा। फिर सीता माता ने अपनी प्यास बुझा ली, परंतु आज भी उस जगह से पानी की धार बहती रहती है और अब वो एक बहुत ही सुंदर डैम में तब्दील कर दिया गया है। तो आइए, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग पे स्वागत है और आज हम अपने दोस्तों के साथ जाने वाले हैं अयोध्या पहाड़, वो हर सुंदर सा डैम देखने के लिए, और आप सभी को भी दिखाएंगे और आप मेरे इस ब्लॉग पे बने रहिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, मेरे साथ में है राजकुमार, हाय कर दो, हाय, और ये है अमन सिंह, हाय कर दो भाई, और ये आ गया नीरज, नीरज सिंह, आप लोग तो इससे पहले भी देखे होंगे, जानते हैं पूरी वाले ब्लॉग में, हाय कर दो भाई। गाइस, तो फिलहाल हम लोग अभी खड़े हैं साक्षी कोर्ट मोड़ के पास में और बस अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और हम लोग जिस रास्ते से जाने वाले हैं वो है आपका डिमना होते हुए पटमदा होते हुए। तो चलिए दिखाएंगे आपको उस रास्ते में क्या क्या आता है और कैसा रहता है आज का। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे तेल वगैरह फिल करवा रहे हैं बाइक में और आपको बता देते हैं हम लोग यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर गलत रास्ता आ गए। तो देखिए हम लोग अब फाइनली झारखंड बॉर्डर यहाँ पे पार कर रहे हैं और ये देखिए अब हम लोग घुसेंगे यहाँ से बंगाल। ये है झारखंड का रोड और ये देखिए ये है बंगाल का रोड, डिफरेंस देखिए आप लोग, और ये घना जंगल। झारखंड में रोड बढ़िया था बट देखिए बंगाल घुसे तो ये रोड बॉर्डर में घुसे बंगाल में साला, हो सकता है कि आगे रोड बढ़िया हो बट यहाँ पे खराब है। ये देखिए हम लोग बंगाल घुस गए और रोड देखिए यहाँ का, पूरा ऑफ रोडिंग हो रहा है यहाँ पे। रोड में हम लोग घुस गए हैं तो हम लोग फिलहाल अपना ये आधा जर्नी कवर कर चुके हैं और फिलहाल अभी रुके हैं ये होटल में नाश्ता वगैरह करने के लिए। ये है हमारा नाश्ता, ये कचौड़ी एंड घुघनी, कैसा है टेस्ट अमन? सही लग रहा है ना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है अपना बड़ा भूम डैम और हम लोग अब यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद सीधा हम लोग जाकर रुकेंगे अयोध्या हिल्स और आप लोग इस ट्रैवल ब्लॉग को देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम लोग अब ये बलरामपुर वाला रोड पकड़ लिए हैं और यहाँ पे ये रोड ठीक है बट गाँव का रास्ता बहुत ही ख़राब था, शायद हम लोग दूसरे रास्ते से आगे होंगे, हम भी कन्फर्म नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बट वो रास्ता बहुत ही ख़राब था। हम लोग अब ये क्रॉस कर रहे हैं बलरामपुर चौक बाजार,
और बस यहाँ से जाना है। फ्रेंड्स तो हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं बलरामपुर बाजार, और देखिए ये बाजार भी अच्छा खासा है, भीड़ भाड़ वाला पूरा इलाका है ये भी। दिस रोड इज़ मेंटेन्ड बाई PW रोड, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये रोड अब सही है, और देखिए वो सब नज़र आ रहा है अयोध्या पहाड़। ये पहाड़ देखिए पूरा चट्टान का पहाड़ है ये। बस अब यहाँ से मुड़ गए राइट। तो हम लोग अब फाइनली पहुंच गए हैं। गाइस तो फाइनली हम लोग अयोध्या पहाड़ पहुंच गए हैं, और यहाँ का ये नज़ारा देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है। ये इस रास्ता होते हुए जाना है ऊपर, हम लोग फिलहाल अभी नीचे हैं। अब हम लोग चढ़ रहे हैं ये इस पहाड़ के ऊपर, ऐसा है रोड। ये देखिए यहाँ का ये नज़ारा बहुत ही मस्त लग रहा है। हम लोग ये पहाड़ के ऊपर आए हुए हैं। ये देखिए पानी का लेवल यहाँ तक आता है तेज बारिश होने से, बट फिलहाल थोड़ा से पानी का लेवल कम है। छः बजे बंद हो जाता है ये डैम, और यहाँ का नज़ारा गाइस बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा अपने फैमिली को लेकर के। हम तो फर्स्ट टाइम आए आज, और आप लोग देखिए मेरे चैनल में अयोध्या हिल्स। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ बना रहे हैं झालमुड़ी, भैया तीखा मत करिएगा। हम लोग देखिए वहीं से भी आए हैं, देखिए अभी झालमुड़ी वगैरह हम लोग यहीं से खाए थे। ये देखिए झालमुड़ी वाले यहाँ पर नजर आ रहा है। लोकेशन बहुत ही मनमोहक है गाइस, आप लोग भी जरूर पधारिए यहाँ पे। ये क्या बना है, ये क्या है, जेल लग रहा है दिखने में, ये तो सेंट्रल जेल। तो गाइस देखिए ये हम लोग अब आ गए हैं अपर डैम, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में, ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। ब्यूटीफुल व्यू। गाइस यहाँ का नजारा देखिए बहुत ही गजब लग रहा है गाइस, आप लोग भी जरूर आइएगा। ये अपना अयोध्या हिल पड़ता है वेस्ट बंगाल में, जस्ट ये भैया ये कौन सा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया ना, ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गाइस।
ये देखिए डैम के ऊपर में यहाँ पे ये दुकान भी लगा हुआ है। इस तरफ जाएगा भवानी फॉल्स और ये रास्ता है अपना अपर डैम के लिए और अभी ये है अपना हिल टॉप के लिए रास्ता। इधर हिल टॉप में आपको बहुत सारा स्टे वगैरह मिल जाएगा, होम स्टे लॉज वगैरह बहुत सारा है। हम लोग ये रेस्टोरेंट में आए हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा घर है लॉज है या रेस्टोरेंट है क्या है, बाहर तो लिखा हुआ था रेस्टोरेंट, देखते हैं अंदर जाकर। क्या हुआ? फाइनली गाइज कम से कम 4-5 होटल ढूंढने के बाद हमें एक ये मिला है रेस्टोरेंट जो कि जस्ट अपना ये टर्निंग में पड़ता है और सब जगह मछली मुर्गा वही सब मिल रहा था बट यहाँ भी हमें मुर्गा ही मिला है इसलिए खाना पड़ रहा है आज शनिवार के दिन भी। यहाँ अयोध्या हिल में खाने वाने का बहुत ही दिक्कत है, अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग अपना देख लेना कि कहाँ आप लोग अरेंजमेंट कैसा रहता है, अगर आप लोग सब जगह खा पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है वरना बहुत दिक्कत होने वाला आप लोगों को यहाँ पे। गैस तो ये आ गया हमारा खाना चिकन एंड रोटी, देख के ठीक लग रहा है क्या? फिलहाल हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद यह खटिया में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। अब देखना है क्या बोलते हैं फॉल भामनी फॉल और उसके बाद मार्बल लेक, फिर निकलेंगे उसके बाद घर। गैस तो हम लोग अब वहाँ से निकल चुके हैं हिल टॉप से, हिल टॉप में ऐसा कुछ खास है नहीं, बस वही है रेस्टोरेंट वगैरह है होम स्टे वगैरह है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भवानी फॉल्स और फिर देखेंगे मार्बल लेक। तो आप इस ब्लॉग पे बने रहिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप लोग भी ज़रूर आइएगा। क्या नीरज कैसा रहा दिन आज का? आज द जोस। यहाँ का ये रोड देखिए बहुत ही गजब लग रहा है, पूरा बगल में खेती है, इस तरफ जंगल है और देखिए रोड। गाइस तो फिलहाल हम लोग अभी आ गए हैं भवानी फॉल्स, चलिए देखते हैं कैसा है क्या है। ये एग्जिट गेट है, देखते हैं कैसा है यहाँ का फॉल। वेलकम टू भवानी फॉल्स। अभी तक तो ठीक है था गाइस यहाँ का ट्रिप, देखते हैं अब आगे कैसा रहता है। ये देखिए यहाँ ब्रिज बना हुआ है, आप लोग भी जरूर आइए गाइस। लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, ये हम लोग आ गए हैं फॉल के नजदीक भवानी फॉल्स। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से किससे सुने हैं यूं तो कई, ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। तो गाइस देखिए ये है भवानी फॉल्स, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, सिर्फ पानी का नॉइज है। यहाँ पे देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए भवानी फॉल्स और सब लोग यहाँ आकर एंजॉय कर रहे हैं और अपना सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, हम लोग भी ले लिए अपने फोटोज वगैरह।
अब यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से देखिए ये झील नज़र आ रहा है, बढ़िया, काफ़ी नीचे से हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी गर्मी लग रहा है, देखते हैं। मार्बल कौन सा है भाई? इधर इधर तुम गए हैं ना? हाँ। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे कैसा है, चलना पड़ेगा तो नहीं जाएंगे वहाँ पे। जमाना छोड़ देंगे हम। गाइस तो फिलहाल हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी थक गया, पूरा पसीना पसीना हो गया है। जितना एक्साइटमेंट था नीचे जाने का, उतना ही गम हो रहा था ऊपर आने में। का हालत ख़राब हो चुका है नीचे जाके, क्या खाना वगैरह सबका पच गया। मेहनत हो रहा गाइस, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हाँ सर, मार्बल लेक किस तरफ है? ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं किस तरफ है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं मार्बल लेक वाला लोकेशन, जस्ट अपना लेक है इस तरफ। अब बताइए लोग इतना ऊपर आता कैसे ये लोग? यहाँ पे दुकान वगैरह लगा हुआ अच्छा खासा। गाइस हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, बट सिर्फ वीडियो बनाना इस कारण से जा रहे हैं मार्बल लेक, वरना सीधा घर भागते, क्योंकि यहाँ से भी जाना 90 किलोमीटर ड्राइव करके, बहुत ज़्यादा टायर्ड है। चलो भाई बनाना तो पड़ेगा, बहुत मेहनत हो रहा है गाइस। आप लोग लाइक एक ज़रूर करिएगा और अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। गाइज़ आप लोग जो मेरे पीछे ये लोकेशन देख रहे हैं, ये है अपना मार्बल लेक। और मार्बल लेक ठीक है, पहले साथ यहाँ से कभी मार्बल निकलता होगा, बट झिंगपानी में ऑलरेडी हम ऐसा लेक बहुत सारा देख चुके हैं, तो इसलिए मतलब मेरे को उतना कुछ खास नहीं लग रहा है ये देखने में। हमारा लाइमस्टोन का माइंस भी जो है वो इसी तरह का बन चुका है, आप मेरे झिंगपानी वाला ब्लॉग जाकर देखिएगा। और ये देखिए नीरजपुरा थक चुका है, हाईली एग्जॉस्टेड। गाइस तो चलिए अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग घर, काफ़ी थक गए हैं, आज का दिन अच्छा था बट काफ़ी थक गए हैं। रोड बहुत ही तगड़ा है गाइस, मतलब आप लोग यहाँ आओगे गाड़ी लेके अपना, तो आप लोग ड्राइविंग करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए गाइस, ये है अपना टुर्गा फॉल, ये पानी यहाँ से होते हुए वहाँ नीचे जाता है, बट यहाँ जाएंगे नहीं। ये देखिए ये ऊपर से ये नज़ारा दिख रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये नज़ारा मेरा फ़ोन जस्टिस नहीं कर पाएगा, इसे देखने के लिए आप लोग यहाँ खुद आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ज़रूर आइए अयोध्या हिल्स, जो कि अपना वेस्ट बंगाल में है, टाटा यहाँ से 85 किलोमीटर। और अब हम लोग लौट रहे हैं वापस, और ये देखिए वो अपना अयोध्या हिल्स नज़र आ रहा है, लास्ट टाइम देख लेते हैं फिर से एक बार और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये पूरा हिल है, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो वहीं पे गए थे, आज सबसे पहला डैम ये देखे थे। फोकस कर ले, ये है लोअर डैम। हम लोग अब जाना है इस तरफ। गाइस ये वाला पेड़ का शेप देखिए, पूरा गेट बना हुआ है पेड़ का, पूरा गेट का शेप में है, हमारा वेलकम कर रहा है। ये है अपना दिल्ली से भुवनेश्वर वाली रूट। तो गाइस बस हम लोग अब यहाँ से टाटा के लिए टर्न लेंगे, यहाँ से राइट चल जाता है टाटा और लेफ्ट चल जाता है पुरुलिया, हम लोग टाटा की ओर जा रहे हैं फिलहाल अभी चांडिल वाले रास्ते से।
आने टाइम आए थे पटमदा वाले रास्ते से जो कि बहुत ही खराब था, देखते हैं ये रास्ता कैसा है। गाइस तो फाइनली अब हम लोग झारखंड इन हो रहे हैं। अभी ये पुरुलिया रोड में चांडिल वाला टोल भी बन गया है, बस स्टार्ट नहीं हुआ अब तक। आखिरकार यहाँ पे अब देखिए बारिश भेटा ही गया हमें, और यहाँ देखिए रेलवे क्रॉसिंग है, कुछ छुपने का जगह नहीं है यहाँ पे, क्या किस्मत। हम लोग को इधर जाना होगा। ये देखिए ये अपना टाटा से रांची वाला हाईवे, इस तरफ है टाटा लेफ्ट साइड, इस तरफ अपना जाएंगे रांची। गाइस तो फिलहाल हम लोग चांडिल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे पेट्रोल पम्प में तेल वगैरह भराने के बाद थोड़ा हाथ मुँह थोड़ा धो करके थोड़ा फ्रेश हो जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पूरा धूल धुल हो चुका है। और ये बाइक देखिए हमारा, लग रहा है कि लद्दाख से होकर हम लोग आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे को कल रात से सर्दी हो चुका है, और आज इतना धूल इतना मिट्टी हुआ कि नाक पूरा लाल हो चुका मेरा। तो गाइस हम लोग अब ये क्रॉस कर रहे हैं दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मेरे चैनल में आप लोग दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये ब्लॉग देखिएगा। देखिए आई बटन में आप लोगों को लिंक नज़र आ रहा होगा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। फाइनली 210 किलोमीटर और 13 घंटा जर्नी करने के बाद हम लोग अपने टाटा पहुंच चुके हैं, और इस ब्लॉग यही पेंड करते हैं। गाइस आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हाँ, हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुआ है, दिखाओ भाई अपना फ़ोन दिखाओ। ये देखिए इसका फ़ोन अमन का, इसका फ़ोन रास्ता में करके टूट गया था, अब बेचारा का उसको गच्चा लग गया पूरा स्क्रीन का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए और हाँ गाइस 28 अगस्त को छोनू का बर्थडे है, तो बहुत जल्द छोनू का भी बर्थडे का ब्लॉग आने वाला है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय। हाँ एंड हिट द बेल आइकन। फुको ठीक से ठीक से ठीक से फुको। अरे वाह, एक क्या है छोनू, स्पैरो मत निकालो बेटी, वो सजाने का है। 28 तारीख को छोनू का बर्थडे है, तो उसका ही ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। छोनू चलो बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चिप्स तो निकाल ले पहले मुंह से, चलो भाई। आप लोग समझ गए, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।